लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहाल हैं। तेज बारिश के चलते लखनऊ की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल से जारी लगातार आसमानी आफत के चलते लखनऊ में जगह जगह पानी भर गया है। शहर के पौश इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ का हजरतगंज, आलमबाग, जानकीपुरम, आशियाना, इन इलाकों समेत कई में हालात विकट बने हुए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है और लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। आप जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। लखनऊ में जगह जगह रफ्तार थम सी गई है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण लखनऊ, कानपुर और उन्नाव समेत 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ के आशियाना इलाके में हालात सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहां पर अस्पताल के अंदर बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। महंगे इलाज के इक्विपमेंट पानी में डूबे हुए हैं। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और राजधानी का हाल देखिए। हम इस समय लखनऊ के पौश कहे जाने वाले आशियाना इलाके में मौजूद हैं। आशियाना को लखनऊ का पौश इलाका माना जाता है, लेकिन चाहे पौश इलाका हो, आम इलाका हो, खास इलाका हो, रात भर जिस तरीके से बारिश हुई है, बिजली कड़की हुई है, उसको देखते हुए पूरे लखनऊ का हाल यही है कि पानी हर तरफ नजर आ रहा है। हम इस समय आशियाना के स्वर्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हैं और अगर हॉस्पिटल के आपको अंदर जाना है तो पहले आपको बारिश का ये जो पानी है, जो पूरी सड़कों पर जिसने लबालब कर दी है स्थिति, यहाँ पर आपको आना होगा और यहाँ पर आने के बाद ही आप हॉस्पिटल के अंदर जा पाएंगे। फिलहाल जो पंपिंग सेट है उसको लगा करके हॉस्पिटल के जो अंदर का पानी है वो अंदर का पानी निकाला गया है और बाहर उस पानी को भेजा गया है ताकि हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको शुरू किया जा सके। ये बताइए कब से ये स्थिति है, जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो क्या देखा और किस तरीके से पानी आप लोग बाहर निकाल रहे हैं? ये सर हम लोग वो पंपों सेट से निकाला जा रहा है, वो पानी निकाला जा रहा है। ये रात से ही बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से पानी पूरा, ये थोड़ा नाला हुआ गड़बड़ है, इसकी वजह से पानी ज्यादा भर गया। कितना कितना पानी आप लोग के यहाँ हो गया था? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो पूरे हॉस्पिटल में देखिए कीचड़ की स्थिति है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है, तो इसको निकालने में कितना वक्त आप लोगों को लगा? सर ये तो मॉर्निंग से ही कम से कम 3-4 घंटे लगे हैं। वो अभी पानी निकल रहा है, पीछे पानी भी भरा हुआ है, तो अभी निकालने की प्रोसेस चली ही रही है। निकालने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और जितनी भी देखिए मशीनें हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन सबको फिलहाल बाहर किया गया है, क्योंकि अगर पानी लगातार भरेगा तो ये मशीन्स खराब होंगी और मशीन्स खराब होंगी तो निश्चित तौर पर न सिर्फ हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, न सिर्फ उसको नुकसान होगा बल्कि आम लोगों को भी, देखिए यहाँ पर जो एडमिट किया गया है उनको भी दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के पूरे अंदर पानी चूंकि आ गया था और मरीज लोग जो हैं वो फिलहाल देखिए यहाँ पर अभी बैठे जरूर हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति बेकाबू हुई थी, जिसको किसी तरीके से पंपिंग सेट लगा करके फिलहाल यहां पर पानी को निकाला गया है। लेकिन जो अंदर की स्थिति है, जो अंदर के इलाके हैं, देखिए अभी भी ये देखिए ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है ये, और ओटी में अगर आपको अंदर जाना है तो आपको बाकायदा पानी में चलते हुए होके अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर की स्थिति ये है, ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ की ओटी की स्थिति ये है कि फिलहाल पूरे रूम में पानी भरा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में आप आ करके फिलहाल ना तो ऑपरेशन करवा सकते हैं और ना ही डॉक्टर आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ओटी का जो एरिया है ये पानी में पूरा भरा हुआ है। मौसम विभाग ने जिस तरीके को लेकर के अलर्ट दिया था उसको देखते हुए लखनऊ और आसपास के इलाकों में पानी की स्थिति को लेकर के ऑरेंज अलर्ट है, और इसी को देखते हुए लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरे लखनऊ के जो स्कूल्स हैं 12वीं तक के उनको बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। सिविक एजेंसीज ने जिस तरीके से काम किया वो किसी से छुपा नहीं है कि फिलहाल लखनऊ में आज किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। चाहे आम इलाके हों, खास इलाके हों या किसी भी तरीके के इलाके हों, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले 3 से 4 घंटे लखनऊ में इसी तरीके का अलर्ट रहेगा। यही वजह है कि लोग जो यहाँ पर भर्ती हैं, देखिए उनको भी दिक्कत हो रही है। आप बताइए आपके पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं, कितनी आप लोगों को दिक्कत हुई, कैसी स्थिति अभी फिलहाल? दिक्कत तो हुई है पानी की, बहुत बड़ी, पानी सब भरा था, रात में हम लोग सामान और निकलवाए यहाँ से। अब फिलहाल पानी निकल गया है लेकिन जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। वो तो बढ़ रही हैं।
तो दिक्कतें लोगों की फिलहाल अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि पानी जरूर खत्म हुआ है लेकिन जलभराव अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन काफी मेहनत कर रहा है कि इस पानी को निकाला जा सके, लेकिन न सिर्फ आशियाना के इलाका बात किया जाए, आलमबाग का इलाका बात किया जाए, गोमती नगर, हजरतगंज, हर वो पॉश इलाका लखनऊ का जो इस समय फिलहाल बारिश से अफेक्टेड है, या यूं कहा जाए कि पूरा लखनऊ बारिश से अफेक्टेड है, यही वजह है कि यहाँ की स्थिति बेहद भयावह है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो पानी हॉस्पिटल के अंदर घुस गया है उसको निकाला जाए, लेकिन लखनऊ की परेशानी भी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ के आशियाना इलाके में सबसे ज्यादा बुरे हाल हैं। घरों के अंदर पानी घुसने के कारण जनजीवन ठप हो गया है। आशियाना से ही देखिए हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट। समूचे लखनऊ में जिस तरीके से रात भर बारिश हुई है, जिस तरीके से बिजली कड़की है, जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है, उसके बाद लखनऊ के आशियाना इलाके में सबसे ज़्यादा खराब स्थितियों में से एक है। हम इस समय लखनऊ के आशियाना इलाके में मौजूद हैं और अगर आपको घरों के अंदर जाना है, जो कि बाहर का इलाका, पहले देखिए कि पानी में बारिश के जो टायर है, टायर पूरी तरीके से डूब गया है। और अगर आपको घरों के अंदर जाना है तो देखिए, नॉर्मली आप घर के अंदर जाते हैं तो बहुत आसानी से चले जाते हैं, लेकिन चूंकि बारिश के ये स्पेशल हालात हो गए हैं लखनऊ में, बारिश होने के बाद किस तरीके की दिक्कत हो रही है कि घर के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, दिक्कत करनी पड़ेगी और अंदर जाने के लिए आपको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो हालात यहाँ के हैं, देखिए किस तरीके से पूरे घर में पानी घुस गया है। वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है वह न सिर्फ सड़कों पर है, बल्कि जो थोड़ा सा भी घर अगल बगल है रोड के, जिसको कि माना जाता है कि अच्छे घर हैं, उनमें ये स्थिति है। वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है और जो घर के मालिक हैं वो भी देखिए पूरी तरीके से ये पानी में अपने घर में रहने को मजबूर हैं। अगर घर के आप अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ की भी स्थिति यही है कि बुरी तरीके से पानी भरा हुआ है, पूरे घर में पानी को निकाला जा रहा है, उलझा जा रहा है कि किसी तरीके से दिक्कत को खत्म किया जा सके, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर पानी बना हुआ है और पूरे घर में आप देखिए कि स्थिति यह है कि पानी पानी और सिर्फ पानी, चाहे ड्राइंग रूम का इलाका हो, किचन का इलाका हो या फिर वॉशरूम हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी है। और पानी इतना ज़्यादा है कि सभी सामान को फिलहाल उठा करके देखिए ऊपर रखा गया है। मेहमानों के लिए जब आदमी घर में आता है तो सोफे होते हैं, लेकिन सोफे को फिलहाल ऊपर रख दिया गया है, क्योंकि अगर ये सोफे नीचे रहेंगे तो सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर रूम के आप अंदर जाइए तो रूम के अंदर जाने के भी आपको स्थिति यही मिलेगी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी है। मैम, सिर्फ और सिर्फ घर में पानी भरा हुआ है, सोफे आप लोगों ने ऊपर रख दिए हैं, कब से ये स्थिति है और कैसे आपको लगता है कि इससे आप लोगों को निजात मिलेगी? रात से ही है, रात से पूरी रात बारिश हुई, उसके बाद पानी जितना आज बरसा है, जिस तरीके से बिजली कड़की है, पहले कभी आप लोगों ने महसूस किया था यार आज वाकई में कुछ ज्यादा हो गया? नहीं, पहले भी हुई है, जब भी बारिश होती है तो हो जाती है। सड़क से सटा हुए इलाकों में वैल्यू ज्यादा होती है, उसे पॉश माना जाता है, लेकिन ये पॉश किस तरीके का है आशियाना इलाका, इन विजुअल्स को देखिए, अंदाजा लगाइए। घर के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि लोगों से आपने बातचीत की होगी, नगर निगम में बातचीत की होगी, पार्षद से बात की होगी, कुछ इसका इलाज निजात नहीं है? नहीं, कोई निजात नहीं है। जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो आपको यही कंडीशन मिलेगा। यहाँ पे पूरे मोहल्ले पीछे बगल में भी आप देख सकते हैं। तो आप समझिए कि जो आसपास के इलाके होंगे वहाँ की स्थिति किस तरीके की होगी। पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ पानी है और पानी के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अब लखनऊ की तस्वीर देखिए एक और, जहाँ रात भर मूसलाधार बारिश के बाद कई कॉलोनियां डूब चुकी हैं। बारिश का पानी घरों के अंदर आ चुका है। लोग अचानक आसमानी आफत के अटैक से दहशत में है। विशाल प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। रात भर की बारिश के बाद लखनऊ के आशियाना में हालात बद से बदतर हैं। घरों में, अस्पतालों में पानी अंदर चला गया है और घुटने घुटने तक पानी है। यही वजह है कि नगर निगम की तरफ से जो पंपिंग सेट है वो बाकायदा देखिए गाड़ियों में लगा करके पूरे इलाके में भेजा जा रहा है और अस्पतालों से जो पानी निकालने की प्रक्रिया है वो कुल मिला के इस तरीके से की जा रही है कि पानी को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जा सके और पूरे अस्पताल परिसर में, या यूं कहें कि इस लाइन के जितने भी घर हैं, उन घरों से पानी को निकाला जा सके। फिलहाल पंपिंग सेट का सहारा लिया जा रहा है अस्पतालों से, घरों से, और सड़क पर जो पानी इकट्ठा हो गया है, जल भराव हो गया है, उसको खत्म करने के लिए। रात भर की जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के बाद न सिर्फ लखनऊ के आशियाना इलाके में, हजरतगंज में, आलमबाग में, डालीबाग में, या यूं कहें कि समूचे लखनऊ में आज जल भराव और जलमग्न की स्थिति है। और पूरे इलाके में देखिए जो भी लोग निकल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आपका घर भैया अंदर ही है, क्या स्थिति है इस समय अंदर?
देखिए लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है, और अगर आपको घरों के अंदर जाना है, इस सोसाइटी के अंदर जाना है, तो फिलहाल आपको संघर्ष को ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ जो पानी की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है और लोगों के घरों के नीचे पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। कोई भी अपने घरों से निकल नहीं पा रहा है और जो भी निकल रहा है उसको इसी जल भराव, इसी पानी में जलमग्न होकर के निकलना पड़ रहा है। लोग देखिए अपने दुकानों में फिलहाल खोलने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो धीमे धीमे कम होना भी शुरू हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पानी यहाँ भरा हुआ है, आप देखिए कि जिन लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं वो भी फिलहाल अभी किसी तरीके से पानी को निकाल रहे हैं, और पानी दुकानों के अंदर भी था क्योंकि गीली है दुकान पूरी तरीके से। भैया कितना देर लगा आप लोगों को पानी निकालने में, और जब पहुँचे तो क्या स्थिति थी यहाँ पे? पानी यहाँ हल्का भरा था तो वही अब निकाल रहे हैं सब। पानी जो है वो निकाला जा रहा है, और लोग जो है वो जानकारी दे रहे हैं कि पानी जो है वो पीछे के साइड में और भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। लोग देखिए यहाँ पर निकल रहे हैं और परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। जितने भी इलाके हैं, जितने भी लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पर परेशानी देख रहे हैं, दिक्कत देख रहे हैं। और पूरा इलाका ये जो आशियाना का है, ये देखिए पानी की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न है। सड़क कहाँ है, सोसाइटी की सड़कें कहाँ हैं और पानी कहाँ है, कुछ भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, सारी गाड़ियों के जो टायर हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। घर का जो नीचे का फ्लोर है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है, वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। लोग फिलहाल अभी घरों में ही कैद हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पानी अभी यहाँ पर पूरी तरीके से भरा हुआ है। और इस पूरी सोसाइटी में अगर आप जाएंगे, पूरे इलाके में अगर आप जाएंगे, तो हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो ये है तस्वीरें, ये है सूरत हाल लखनऊ में 12 घंटे की बारिश के बाद। और जिस तरीके से लखनऊ में मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 3 से 4 घंटे लखनऊ और आसपास के इलाकों में इसी तरीके से भारी रहने वाले हैं, क्योंकि पूरे इलाके में लखनऊ में जिन जिन इलाकों में आप निकलेंगे तो बहुत सावधानी से निकलें, क्योंकि बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट है। और जिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो लोग अपने घरों में रहें, लेकिन जिनके घरों में पानी भरा हुआ है उनके लिए तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर के अंदर रहें या फिर घर के बाहर। अब तस्वीरें आपको लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की भी दिखाती हूं, जहां पर मेडिकल चौराहे के पास मौजूद ये इलाका दरिया में तब्दील हो गया है। आप देखिए बहुत ही पॉश सोसाइटी है, बड़े बड़े बंगलोस बने हुए हैं, उन बंगलोस के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन लोग कितने परेशान हैं। घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों में भी पानी जमा हो रहा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, घरों के अंदर पानी भरने की वजह से सब कुछ तैर रहा है और हालात यहां बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों का हाल और भी बेहाल है, पानी भरने की वजह से सड़क नजर ही नहीं आ रही है। एक और तस्वीर आप देखें, जहां पर लगातार तेज बारिश और तेज आंधी गड़गड़ाहट की वजह से पेड़ भी टूटकर सड़क पर आ गिरे हैं। लखनऊ से सामने आ रही ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि बारिश इतनी हुई कि सड़कें डूब गई, आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का खासा सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल की क्या स्थिति है, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जहां जहां पर वाटर लॉगिंग हुई है अभी इस पानी का निकलना बहुत जरूरी है। मीनाक्षी, अभी भी हम आशियाना इलाके में ही मौजूद हैं। 3.5 से 4 घंटे बीत चुके हैं, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। हालांकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, येलो अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट भी है, लेकिन फिलहाल बारिश निकलने के बावजूद अभी भी जो वाटर लॉगिंग की स्थिति है उसको लेकर के नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है। फिलहाल जो सीधे विजुअल्स हैं, सीधी तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं कि पानी का जो लेवल है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इतना कम नहीं हुआ है कि जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग अपने घरों से सुबह सुबह निकल रहे हैं, चूंकि सोमवार का दिन है, लोग अपने ऑफिस जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, जरूरी काम निपटाने जाते हैं, उनके लिए फिलहाल अभी परेशानी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि 3 से 4 घंटे से लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन
लगा हुआ है, लेकिन सड़कों पर जो पानी है मीनाक्षी वो फिलहाल खत्म नहीं हो चुका है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो निकल रहे हैं अपने जरूरी काम निपटाने के लिए, लेकिन परेशानी जो है बारिश की वजह से वो फिलहाल खत्म नहीं हो रही है। आज इसी को देखते हुए लखनऊ के जो स्कूल्स हैं 12th तक के मीनाक्षी, उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज बारिश हुई है, जिस तरीके से बादलों की गड़गड़ाहट हुई है, बिजली कड़की है, वो अपने आप में लखनऊ में अभूतपूर्व देखने को मिला है। और यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी स्कूल्स को जो 12th स्टैंडर्ड तक के हैं उनको बंद किया है लखनऊ में। लेकिन बारिश रुकने के 3.5 से 4 घंटे बाद भी अभी भी लखनऊ में जो स्थिति थी उसमें थोड़ा तो परिवर्तन आया है, लेकिन यूं कहा जाए कि पानी निकल गया है या निकलने वाला है। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। लखनऊ का ये आशियाना इलाका है और इस पूरे इलाके में पंपिंग सेट के जरिए बड़े हाइड्रोलिक इंजन लगा करके पानी निकाला जा रहा है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी पानी का लेवल मीनाक्षी जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी पानी सड़कों पर मौजूद है। और ये जो पानी है ये बताने के लिए काफी है, देखिए सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके जो टायर्स हैं वो पूरी तरीके से पानी में अभी भी लबालब है। कोई भी कम्यूटर्स यहां से तेजी से गाड़ी नहीं निकाल पा रहा है और जो भी निकालने की कोशिश कर रहा है निश्चित तौर पर उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, बारिश रुक चुकी है, पानी को निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी इसको पूरा करने में, पूरा पानी एवोकेट करने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं वो होटलों में जाने को मजबूर हैं, दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ जाने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी घर के अंदर है। सोफा जो रहता है ग्राउंड फ्लोर पर वो रखा जा रहा है तख्त के ऊपर, और यही वजह है कि लोगों को जो दिक्कत है वो फिलहाल खत्म नहीं हो रही है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एड़ी चोड़ी का दौर लगाया हुआ है कि किसी तरीके से वाटर लॉगिंग को यानी कि जल भराव को खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी बारी वर्षा का जो हुआ है उसका संज्ञान ले रखा है, अधिकारी भी लगे हुए हैं। राहत तो तब मिलेगी विशाल की अगर बारिश ना हो तो वाटर लॉगिंग भी धीरे धीरे खत्म हो सकेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।